नमस्कार दोस्तों, कल्पना साउंड में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारा स्पीकर मतलब देखने में एकदम सही लगता है, उसकी कोयल को हम दबाते हैं तो सही लगता है, तभी भी हमारा स्पीकर फटाफटा सा आता है, उसके अंदर और आता है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। अभी हमने एक स्पीकर को खोला था, किसी कस्टमर का स्पीकर था, ये एकदम ओके कंडीशन के अंदर है और इसका पूरा एकदम कहीं से भी इसकी टिक्की वगैरह नहीं उतरी है। उसके बाद में भी ये स्पीकर के अंदर से फिटिंग होता है तब फटफट की आवाज आती है, बाहर चलाते हैं तब फटफट की नहीं आती है। ये किस कारण से हो रहा है, हमने खोल के देखा तब हमें मालूम चला कि इस कारण से ये स्पीकर फटाफट आ रहा था, ये यहां से क्रेक हो गया था। ये देखिए, ये क्रेक होने के कारण आवाज फटी फटी आ रही थी। जैसे ही बेस खोलते हैं उस समय फट 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 की आवाज साथ में आने लग जाती थी। इसलिए मित्रों, आपके अगर स्पीकर हैं, ऐसी अगर समस्या है तो आप उस स्पीकर को आप खोलिए, अंदर से निकालिए और यहां से चेक कीजिए कहीं यहां से टूटा हुआ तो नहीं है, या यहां से अंदर से जो ये सेपरेटर लगा रहता है, ये जंपिंग यहां लगी रहती है, ये कहीं से उखड़ी तो नहीं है। अगर ये चीज आप ध्यान करोगे और अगर उतरी है तो आप उसको चिपकाइए, आपका स्पीकर एकदम सही बन जाएगा और जैसे पहले आवाज दे रहा था वैसे ही आवाज वापस देने लग जाएगा। इसलिए मित्रों, समय समय पर अपने स्पीकरों को आप संभालते रहें, जिसके कारण आपका जो साउंड है वो लंबे समय तक आपका साथ दे सके। इसलिए मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि साउंड के सामानों का पैसा बहुत लगता है, जब हम खरीद के लाते हैं लाखों रुपए लग जाते हैं। अगर इन चीजों की हम केयर करेंगे तो ये चीजें हमारे साथ देगी, अगर केयर नहीं करेंगे तो मित्रों इस साउंड का कचरा हो जाएगा। इसलिए मेरे जितने भी साउंड वाले भैया हैं, जो नया साउंड का काम करने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप साउंड लीजिए, काम कीजिए, अच्छा प्रॉफिट भी है, लेकिन प्रॉफिट कब है, जब आप सामान की केयर करेंगे। इसलिए मित्रों आप ध्यान रखें, ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया जिसमें आपके साउंड के प्रति आपका नॉलेज बढ़े, ऐसे वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा, चंचल रंकावत का और हमारे सूरज का आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।